सीरिया में क्लोरीन के हमलों की जांच रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ दो सीरिया एक्सबो में नागरिकों पर कथित क्लोरीन बम हमलों की रिपोर्टों की जांच कर रहे हैं, अधिकारियों ने मंगलवार को बताया। सबसे ज्यादा चिंताजनक रूप से आयोग को कई रिपोर्ट मिली अब जांच के तहत कि हथियार वाले क्लोरीन युक्त कथित बमों का उपयोग इदलिब में सारा कीबर पूर्वी घावदा में डुमा में किया गया है। दमस्कस के निकट पाउलो पिन्हेरो संयुक्त राष्ट्र के आयोग सीरिया पर पूछताछ की। जिनेवा में जारी एक बयान में कहा, पैनल ने विद्रोही आयोजित इदलिब प्रांत में और हिंसा के बढ़ने के बारे में गहरी चिंता भी व्यक्त की। पिन्हेरो ने कहा, पूर्वी घावदा में सीरिया के विरोधियों ने नए क्लोरीन गैस हमले के दावों के बीच इदलिब पर हमला किया। वाइट हेलमेट्स एक स्वयंसेवक बचाव दल ने रविवार को कहा कि इदलिब के साराकब में क्लोरीन गैस के हमले से 3 सदस्यों और 6 अन्य घायल हो गए। समूह ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए जो पुरुषों को खांसने और स्ट्रेचर पर लगाए जाते हैं। 2 मीडिया कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि साराकब में क्लोरीन का हमला सीरिया के हेलीकॉप्टरों से शुरू किया गया था। सीरिया के निगरानी समूह ने कहा, पूर्वी घावदा में विद्रोही आयोजित इलाकों में हवाई हमलों का लक्ष्य रहा है। ब्रिटेन के सीरिया के मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि सीरिया के शासनकाल में कम से कम 78 लोग मारे गए और 190 सेकेंड ज्यादा घायल हुए हैं। मंगलवार की मौत में 9 बच्चों और 20 महिलाएं शामिल थी। SOHR ने कहा, निगरानी समूह ने मंगलवार के हमलों में क्लोरीन उपयोग के आरोपों का उल्लेख नहीं किया। सीरिया के सरकारी मीडिया ने कहा है कि सीरिया की सेना सशस्त्र समूहों द्वारा दमिश्क में एक गोलाबारी हमले का जवाब दे रही है। एक हमला है कि वे कहते हैं कि 5 लोग मारे गए, 2 बच्चों सहित और 13 अन्य घायल हो गए। शासन ने बल दिया जिन इलाकों से पूर्वी घावदा में गोले लगाए गए थे सशस्त्र समूहों के रैंकों पर भारी नुकसान पहुंचाते हुए और कई मोटा लांचरों को नष्ट कर देते थे। विभिन्न इस्लामिक विद्रोही समूह दमिश्क के निकट पूर्वी घावदा क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह 4 साल से ज्यादा समय तक सीरिया के शासन सेनाओं से घिरा हुआ है। रूसी समर्थित सीरियाई सरकार बलों ने हालिया हफ्तों में इदलिब प्रांत और घावदा सहित विद्रोही क्षेत्रों के खिलाफ अपने सैन्य आक्रमण को बढ़ा दिया। SSHR ने कहा है कि 2-9 दिसंबर से ही पूर्वी घावदा में बमबारी में 350 बच्चों सहित 86 बच्चों और 68 महिलाएं शामिल हैं। लेकिन इदलिब और पूर्वी घावदा में हमले के पैमाने और क्रूरता ने पिछले 48 घंटों में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी की है, जिसके परिणाम स्वरूप नागरिक मारे जाने और हवाई हमलों की कई रिपोर्टों के परिणाम स्वरूप कम से कम 3 अस्पताल प्रभावित हुए हैं। पिन्हेरो UN के अध्यक्ष सीरिया पर जांच आयोग मंगलवार को कहा। पिन्हेरो ने कहा, यह आयोग सीरिया के सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में होने वाले सभी मानवाधिकार उल्लंघन जांच की जांच और दस्तावेज को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।